नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ओके ग्रेट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये सक्सेस ब्लूप्रिंट 2023 का तीसरा वर्जन हम लेके आए हैं। और दोस्तों, ये हमने डिसाइड किया है, ये एक सीरीज है जो कि कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे पूरी सक्सेस ब्लूप्रिंट की टीम कि हम इसे कंटिन्यू करें आगे पूरे साल तक। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो ब्लूप्रिंट हम लेके आए हैं पूरा प्योर फाइनेंशियल है और फाइनेंशियली आपको इम्पावर करने के लिए आपकी हैबिट्स और आपकी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लेके आए हैं सक्सेस ब्लूप्रिंट 2023 का थ्री वर्जन। सो दोस्तों, मेरे को एक बार आप बता सकते हैं कि किसने हमारे पहले के दोनों वेबिनार्स को अटेंड किया है, जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी, जिससे कि आप और क्लियर कर लेंगे। ग्रेट। सो बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और हम आपसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप ऐसे ही आगे भी ज्वाइन करते रहिएगा दोस्तों। वेरी गुड। सो दोस्तों, आप अपनी पेन और डायरी लेके बैठिएगा, आज आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कोशिश करिएगा कि आप पूरे पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, कोई कुछ आपसे छूटने ना पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वैल्यू देते रहें। सो दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे स्पीकर्स का, और मैं उन अपने स्पीकर्स को, हमारे जो स्पीकर्स हैं जो हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं, मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने। उससे पहले आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे साथ में मिस्टर सीताराम सौ। ये एक बिजनेस ओनर हैं, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से आते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। ये बिजनेस रन करके जो इन्होंने अपना इम्पावर खड़ा किया, ये इन्होंने फिर सोचा कि जो चीजें मैं सीखी है हमने वो हम आगे देते हैं, और उसके बाद ये चीजें उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस चीज को जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको इम्पावर करेंगे। दोस्तों यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, अभी रिसेंटली इनका यूट्यूब चैनल, जो सारी क्वालिफिकेशन है उसे पूरा किया और मोनेटाइज होने जा रहा है। दोस्तों बुक जरूर दोबारा पढ़िएगा, बहुत अच्छी एजुकेशन है कि आप उन चीजों को और आगे बढ़ाएं और उन हैबिट्स को अपने अंदर लाएं। सो दोस्तों, बात आई है हैबिट्स की, और अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमारे नेक्स्ट स्पीकर आएंगे, जो कि आपको हैबिट्स के बारे में बताएंगे कि आपकी हैबिट्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं मनी को लेकर, तो दोस्तों हम सिर्फ वही बातें, वही हैबिट्स बात करेंगे जो आपकी मनी को मैनेज कर सके और उसको इम्पावर कर सके लोग दोस्तों, और आप उससे आगे बढ़ सकें। सो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है यार मेरे को इम्प्रूव करना है। क्योंकि दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, आप चाहे, हम चाहे कितने भी, हमारे बीएसआर सर भी हैं, बहुत से जितने भी बड़े लोगों को आप देखेंगे, वो सब लोग सीखने पे बहुत यकीन रखते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, नई नई बुक्स पढ़ते रहते हैं। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि हमें सीखना चाहिए और हैबिट्स को और डेवलप करना चाहिए, तो हमारे साथ बने रहिए और तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे मिस्टर सीताराम सौ का। सर आइए और आप हमें बताइए आपके पिटारे में से क्या क्या निकलता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, सक्सेस ब्लूप्रिंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो हम लोग का ये तीसरा वेबिनार चल रहा है सक्सेस ब्लूप्रिंट का। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं ये हैबिट, ये जबरदस्त शब्द है। जैसे कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर पंप का जरूरत है, रेल लाइन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन का जरूरत है, ठीक उसी तरह प्रत्येक इंसान को आगे बढ़ने के लिए आपको अपना हैबिट का जरूरत है, वो भी गुड हैबिट। दोस्तों, आज मैं 9 हैबिट लेकर आ रहा हूं आप लोगों के बीच में, जो कि आपका साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूं, ताकि आप और आप इंप्लीमेंट करके इसे अपना जीवन में आर्थिक मजबूतियां ला सके। तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ हैबिट्स, ये 9 हैबिट्स आपके बारे में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। पहला है सेट वेल्थ गोल। सपोज आप लोग को आज चल रहा है 2023, 5 साल के बाद 2028 में कितने रुपए चाहिए,
कितना आर्थिक रुपया चाहिए, एक मजबूती के साथ में आप प्लानिंग कीजिए, गोल सेटिंग कीजिए, आर्थिक मजबूती क्या होता है। बाय चांस आप लिखे 5 करोड़ रुपया, ठीक उसको टुकड़े में भाग करें, एक साल, फिर 3-6 महीना, फिर 3 महीना, फिर साप्ताहिक, और उसको आस्ते आस्ते धीरे धीरे ओनली वन स्टेप आप सेविंग करते जाए। आपको मालूम नहीं ये कितना बड़ा रुपया आपका खड़ा हो सकता है। आप तो उस वक्त आप सोचो तो ये तो मैं तो बहुत कम पैसा गोल सेटिंग किए, लेकिन ये हैबिट में जब डालिएगा तब उसको ये कंपाउंड होते जाएगा। दोस्तों ये जो हैबिट देखिए, जी में लिखा हो, जी में है 2 कॉइन ही सिर्फ, फिर ओ में क्या है 6-7 है, ए में बहुत सारा है, फिर एल में बहुत सारा है, एस में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही आप जिस टाइप से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, रेगुलर जब इन्वेस्ट करें अपना गोल सेटिंग में, जब वेल्थ गोल कर जिएगा तब कैसे मजबूती के साथ में धीरे 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 करके ओनली वन स्टेप प्रत्येक दिन जो आप गोल सेटिंग किया 5 करोड़ रुपया का, बाई चांस आपका प्रत्येक दिन 10,000 रुपया रखना है, आप 10,000 रुपया रख सकते हैं, 5,000 रुपया रख सकते हैं, लेकिन वो प्रत्येक दिन जहां पर आप रखिएगा आपका फोकस वही जाएगा ना, और जब फोकस जहां जाएगा आपका एनर्जी वही जाएगा, अब जब एनर्जी जाएगा तब एक्शन सही होगा, जब एक्शन सही होगा तो रिजल्ट सही होगा। दोस्तों आप 5 करोड़ रुपया जब कीजिएगा ना तो आप लगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो लगे यार मैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर चुका, क्योंकि मेरे को अगर 10 करोड़ रुपया लिखा रहता तो 10 करोड़ रुपया हो सकता था, लेकिन अनजाने अनजाने में आप गोल छोटा ही लिखते हैं। हमेशा गोल बड़ा लिखिए और अपने आप को उस गोल में हैबिट, डिसिप्लिन, अपना एटीट्यूड सारा चीज मिला दीजिए, 100 नहीं 200% मजबूती में सफल इंसान बन सकते हैं। दूसरा नंबर, जब भी इनकम आए, फर्स्ट में हम लोग पहले सुनते थे पैसा आए खर्चा करो तब जाकर के सेविंग करो, दोस्तों नहीं, पहले अपने आप को पेमेंट दीजिए। भाई चांस 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, मिनिमम कम से कम 10,000 रुपया तो आप अपने आप को दीजिए। किसके लिए? सिर्फ लर्निंग, वेबिनार, किताबें पढ़ने, बहुत सारी चीज है जहां पर आप अपने आप को देख लीजिएगा तब जाकर के और ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। जैसे आप एक कार का ड्राइवर को आप रखे हैं तो उसको 5,000 या 10,000 रुपया पेमेंट देते हैं, ठीक उसी तरह आप भी तो कमा रहे हैं ना, तो आप अपने आप को क्यों पेमेंट नहीं दीजिएगा? अगर आप अपने आप को पेमेंट स्टार्ट कर दिए तो देखिएगा वही पैसा से आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो पैसा आपको दिखाई देगा। जो ये पैसा हम कहीं पर बुक खरीदें, कहीं पर जाकर के सेमिनार में जाए, कहीं पर जाकर के मैं कुछ ना कुछ सीखे, अपने आप को सीखे, तब वो ज्यादा डेवलप हो गए। ठीक उसी तरह जिस टाइप से प्रत्येक आदमी, रिच आदमी क्या किया, अपने आप पर पहले पेमेंट देते हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो में, पुअर मैन क्या करते हैं, हमेशा वांट्स में खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस एंड वांट्स। लेकिन सुपर रिच जो है वो हमेशा इन्वेस्ट, एक्सपेंस, देन वांट। दोस्तों अपने आप को पहले मजबूती के साथ में पेमेंट दीजिए, तभी जा करके। ऐसे तो मैं भी नहीं करता था, जो भी पेमेंट आया लो चलो कोई बात नहीं है, जैसा मन तैसा करके जी लेते थे। लेकिन जब मनी मैनेजमेंट के बारे में भूपेंद्र सिंह राठौर जी से मैं सीखे, मेरा तो गुरु वही है, और वहीं से मैं देखे अपने आप को, जो पहला पेमेंट अपने आप को दीजिए, उसका बाद दुनियादारी, क्योंकि मैं खट रहा है ना, मैं अपने आप के इतना आगे बढ़ा है तो अपने आप को पेमेंट देना जरूरी है। दोस्तों इसका बाद तीसरा नंबर, डू नॉट लॉस मनी इंटरेस्ट और फीस। प्रत्येक घर में आप लोग देखे होंगे स्कूल का फीस 12 तारीख का है तो हम लोग, 10 तारीख का है तो हम लोग क्या करते हैं, 12 तारीख को देते हैं, वहां पर हल्का सा आपका लेट फीस लग जाता है। जैसे कि साइकिल हम लोग है, हम लोग का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फेल हो जाता है, जाने अनजाने में कहीं पर चेकिंग होता है तो वहां पर 100 रुपया का, मात्र 100 रुपया का जगह आपका 1,200-2,000 रुपया फाइन होता है। ये छोटे छोटे बुरी आदतें आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके आपका जो लेट फीस है, लेट फाइन है, वो पैसा बच सकता है। जैसे और भी है, जैसे एक मोबाइल ले लिए हम लोग, मोबाइल लेने के बाद क्या होता है, 20 तारीख का पेमेंट है, हम लोग पेमेंट नहीं देते हैं, क्यों, अरे चलो बाद में देंगे, लेकिन ECS में जो बाउंस चार्ज है उसमें क्या आपका 200-250 रुपया पहले तो वो कटा, और जिस कंपनी से आप लिए हैं लोन वहां पर भी आपका
चार्जेस लगा, मीन्स 2000 रुपया का अगर फीस है आपको ईएमआई है तो आपको 2700 रुपया चाहे 2500 रुपया देना पड़ता है, फ्री फंड का आपका चल जा रहा है 500 रुपया 600 रुपया। ये एग्जाम्पल है, किसी का बड़ा भी हो सकता है किसी का छोटा हो सकता है। ये लेट फीस जो है, लेट फाइन, ये हमेशा के लिए दूर रख दे अपने आप से। मनुष्य वही डेडिकेटेड होता है अपना हैबिट में, जो अगर 10 तारीख को बोल दिया तो 10 तारीख को पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर ईएमआई 10 तारीख को है तो 9 तारीख को आपका अकाउंट में जमा हो जाए, तभी जाकर के हैबिट आपको कंप्लीट होगा। ऐसे तो बोला जाता है जो प्रत्येक आदमी, मैं तो सक्सेस के लिए जी रहा हूं, तो हैबिट कहाँ है दोस्तों? आप तो जाने अनजाने में आप तो दोस्ती कर चुके हैं बैड हैबिट में। सक्सेस के लिए आपको बैड हैबिट से निकलना होगा, निकल करके गुड हैबिट में जाना होगा, तभी जा करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि बैड हैबिट आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन गुड हैबिट कुछ कम ही जगह पर आपको मिल सकता है दोस्तों। इसका बाद चौथा नंबर है प्लान इमरजेंसी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम अपना लाइफ में, मैं अपना एक कहानी ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ। 2019 में मेरा एक आर्थिक पोजीशन बहुत ही खराब हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं बैंक करप्टेड हो गए थे, लेकिन जाने अनजाने में मैं शुरू से मनी को सेव करते रहते थे। लेकिन जो भी है एफडी आरडी और कुछ आपका क्या इसमें रखते थे पैसा, लेकिन वहां से जब मैं बैंक करप्टेड हुए तो वो इमरजेंसी वो तो हम पैसा निकाल करके पैसा डाल दिया बैंक में। लेकिन ये मनी मैनेजमेंट जब आया, जब मैं सीखे तब इसे बोला जाता है इमरजेंसी फंड। दोस्तों अपना लाइफ में ये पैसा हमेशा कुछ पैसा अपना हटा कर रखिए, कब आपका हो सकता है आपका कहीं और जगह हेल्थ में इश्यू हो सकता है, हो सकता है कहीं और कुछ इमरजेंसी आ गया। ये पैसा हम तो ऐसे ही रखते थे लेकिन हमको मालूम नहीं था इमरजेंसी फंड कहा जाता है। थैंक यू करना चाहूंगा बीएसएफ सर को जिन्होंने मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया, तब जो मालूम चला जो ये इमरजेंसी फंड कहा जाता है। दोस्तों आप लोग भी अनजाने में आप लोग जो पैसा रखे हैं उसको सेव करके रखिए, ताकि आप कहीं भगवान ना करे जो आपको ऐसा मुसीबत आए। मैं हमेशा दुआ करूंगा आप लोग से, भगवान से, ऊपर से, ऊपर वाला से दुआ करूंगा किसी को ये फंड का जरूरत ना पड़े। लेकिन ये पैसा हमेशा 10% हो 5% हो अपना इनकम से कुछ ना कुछ पैसा हमेशा इन्वेस्ट करके रखिए, बाय चांस कब जो मुसीबत आती है ये बोल के नहीं आती है तो दोस्तों उस वक्त ये पैसा आपको काम देगा जिस टाइप से मेरे को दिया। दोस्तों ये बहुत बड़ा चीज है जो इमरजेंसी फंड रखना। हमेशा एक ही चीज मैं बोलता हूँ, मनी सेविंग इज गुड हैबिट। ये हैबिट अगर रख लीजिए तो आप देखिएगा कभी भी आपको इमरजेंसी नहीं आएगा। मनी मैनेजमेंट सीख लीजिए तो कभी भी आपका आर्थिक अवस्था गड़बड़ाएगा नहीं। दोस्तों इसका बाद आता है पांचवा नंबर, थिंक अबाउट पास्ट टुडे। ये तो बहुत मजेदार का चीज है। आप लोग देखेंगे प्रत्येक घर का मैं एक छोटा सा कार है, चाहे बाइक है, चाहे कुछ भी है, चाहे आप बस में भी ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे ट्रेन में भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो देखेंगे ट्रेन का सामने, चाहे बस का सामने, चाहे कार का सामने में, चाहे बाइक में भी सामने में देखिए कार का सामने में बड़ा ग्लास लगाता है। जो फ्यूचर जो देखना है सामने देखिए, प्रेजेंट में देखिए, बैक में बैक मिरर देखा दिया जाता है छोटा सा। देखिए मैं राइट साइड में मेरा देखा देख रहे हैं एग्जांपल। तो क्यों इंजीनियर लोग क्यों बनाया है उसको? इंजीनियर लोग को भी इस माथा ब्रेन में कुछ मालूम चला, जो कुछ क्षणिक समय में पीछे जाकर के देखें। जब पीछे देखेंगे हो सकता है आप ड्राइविंग कर रहे हैं, पीछे कोई हॉर्न दे रहा है, चाहे कोई ओवरटेक कर रहा है, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको तुरंत एहसास होगा तो साइड कर दे ताकि वो गाड़ी पास हो जाए। ठीक उसी तरह हम लोग भी अपने लाइफ में जो गलतियां किए हैं उससे हमको सीखना है, सोचना है, प्रेजेंट में जीना है। ऐसा नहीं जो हम सिर्फ चलते जा रहे हैं, नहीं दोस्तों, जो गलतियां किए हैं आज, अगर जिस समय 5 साल पहले भी आप अपना अकाउंट देख लीजिए और आज भी देख लीजिए, खूब जोर तो 10% ही बढ़ा है, क्योंकि हम लोग पास मनी मैनेजमेंट नहीं है। अगर मनी मैनेजमेंट रहता तो 10% नहीं 300 टाइम्स बढ़ता। आज 5 साल का देन है जो ये चीज सीखने के बाद और आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पास्ट को देखते नहीं, जो क्या गलती किए हैं देखते हैं ना। कार में जब मैं एग्जाम्पल दिए, जो पीछे हॉर्न मार रहा फिर भी मेरे लोग चले जा रहे हैं, उसको साइड देना होगा।
जब आपका पुराना समय से आप सीखिएगा, उसको सोचिएगा, ठीक से सोचना है जो मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा, तो उसी टाइप से आप प्रेजेंट में जीना सीखें। जब प्रेजेंट आपका अच्छा होगा तो भविष्य तो अच्छा होना ही है। कोई ऐसा नहीं है जो आपका भविष्य कोई रोक सकता है। हमेशा विजनरी बने, इन्वेस्ट टूडे टू अर्न फ्यूचर। दोस्तों इसीलिए प्रत्येक गाड़ी में देखिएगा बड़ा ग्लास देता है जो फ्यूचर देखने के लिए, सामने देखने के लिए। छोटा सा ग्लास देता है बैकवर्ड देखने के लिए। थोड़ा सा देखना भी जरूरी है क्योंकि हम लोग गलतियां करते हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग प्रत्येक जगह कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्रत्येक समय में बहुत बड़ा चीज है। ये कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहें। देखिए पहला जार में दो ही कॉइन हुआ, दूसरा जार में कुछ ज्यादा हुआ, तीसरा में कुछ और ज्यादा, चौथा में और कुछ ज्यादा, पांचवा में कुछ और ज्यादा। ठीक उसी तरह से जब आप रेगुलर इन्वेस्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, जाने अनजाने में आपको मालूम नहीं जो हम क्या कर रहे हैं वो क्या है। कंपाउंडिंग जो आठवां अजूबा है दुनिया का, आप लोगों को सभी को मालूम है जो आठवां अजूबा, सातवां अजूबा तो दिखाई देता है लेकिन आठवां अजूबा दिखाई नहीं देता है, पेपर में चलता है, पेपर में। जब आप रेगुलर इनकम को रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपका पैसा ग्रो होते जा रहा है थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे देखते हैं ना SIP में, चाहे कहीं शेयर मार्केट में, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक उसी तरह आप रेगुलर जब इनकम कीजिएगा, आपको आस्ते धीरे 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 आपका 100 नहीं 200% वो कंपाउंडिंग समय काम करेगा। और कंपाउंडिंग जो है हमेशा आप लोग जानते हैं जो हमेशा के लिए आठवां अजूबा कहा जाता है। सबसे अभी जो रेशमी में बताई, जो वरुण बुफा, उन्होंने अपना उम्र जब उसका 11 साल थे तभी से उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। 11 साल से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए और आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बन गए। क्यों? क्योंकि उनका रेगुलर इन्वेस्टमेंट था, चाहे कम पैसा हो, चाहे ज्यादा पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने रेगुलर इनकम कर इन्वेस्ट करते करते आज वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन में गिनती हो रहे हैं। कभी एक नंबर, कभी तीन नंबर, कभी एक नंबर, कभी तीन नंबर, क्योंकि उनको उनको माथा में समझ में आ गया जो मेरे को रेगुलर इन्वेस्ट करना है। आज जो रेगुलर इन्वेस्ट करता है तो हमेशा देखिएगा प्रत्येक समय उसको कंपाउंडिंग पर हमेशा होते जा रहा है। दोस्तों आप लोग भी अगर चाहे तो अपने आप को वरुण बुफा से कम नहीं सक सकते हैं, क्योंकि अभी से अगर आप लोग सीख लिए और इम्प्लीमेंट किए ये रेगुलर इनकम इन्वेस्टमेंट में तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सातवां नंबर हो गया। आठवां नंबर, प्रत्येक जगह पर जैसे हमारा देश का, चाहे हमारा अपना पर्सनल लाइफ में भी एक स्टेटमेंट बनता है। जैसे मैं खुद अपना CA को देता हूँ, जो इतना रुपया आया, इतना रुपया खर्चा हुआ, इतना पर हुआ, लेकिन वो चीज तो अपने आप में अगर देखें, बाई चांस कोई किसी के पास उतना फंड नहीं है तो प्रत्येक 3 महीना में अगर एक काम कर ले रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जैसे एक जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपया का घर है, 6-7 लाख रुपया का गाड़ी है, कुछ ज्वेलरी है, कुछ सर्टिफिकेट है, कुछ आपने FD कराए हुए हैं, कुछ आपने कहीं पर भी पैसा रखे हुए हैं, उसको स्टेटमेंट बनाए, उसको पोर्टफोलियो बनाए, ताकि उसको दिखाई दे जो प्रत्येक 3 महीना में, जैसे बैंक में देखते हैं ना क्वार्टरली, हाफली एंड एनुअली, उसी टाइप से अपने आप पैसा को देखे जो कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, जहां पर घट रहा है उसको और ज्यादा मजबूत से काम करेंगे, ताकि वो और जाकर के फाइनल जो मेरा 1 साल का जो गोल बनाया हुआ है, चाहे 5 साल का गोल है, वहां पर टच करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है फाइनेंशियली गोल। फाइनेंशियली गोल वही बनाते हैं जो एकदम 100 नहीं 200% रिच बनना चाहते हैं, क्योंकि उसको पहले से मालूम चलता है जो मैं 5 साल में मेरे को इतना चाहिए, 10 साल में इतना चाहिए, 50 साल में इतना चाहिए, वो पहले से समझ जाते हैं। और वो अपना प्रत्येक 3 महीना में रिव्यू करते हैं, रिव्यू करते 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 वो ध्यान देते हैं जो नहीं मेरा ये पैसा बाई चांस हो सकता है गोल्ड का पैसा गोल्ड में कम हो रहा है, 7% 8% इनकम हो रहा है, इक्विटी में ज्यादा इनकम हो रहा है, हो सकता है रियल एस्टेट में ज्यादा हो रहा है, तो वो कन्वर्ट करते हैं पैसा को प्रत्येक 3 महीना में 6 महीना में साल भर में 5 साल में, वो प्रत्येक जगह देखते जाते हैं जो कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका बाद आता है आठवां नंबर, रेगुलर रिव्यू एक्सपेंसेस। ये हमेशा आप बाजार जाते हैं, हमेशा मार्केट जाते हैं,
और हम लोग अनाप शनाप पैसा लाकर खर्च करके आ जाते हैं। अगर मंथली एक्सपेंस अगर बजट बनाए हम लोग, तो हम लोग का जो बजट है बजट का भीतर ही रहेंगे। अगर बजट नहीं करते हैं, हम लोग तो बनिया का लड़का है, तो हम लोग क्या है, जैसा भी आया पैसा कितना काम है, 2,000 रुपया लेके चल जाओ, 5,000 रुपया लेके चल जाओ, ये भूल कभी नहीं करना है। यहीं से बच्चे और अपना आदत बैड हैबिट में चल जाता है, और जो बैड हैबिट होगा वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। अपना एक्सपेंस पर हमेशा नजर रखें, ताकि वो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। जो आज इस महीना में 40,000 रुपया खर्चा हुआ, अगला महीना या तो 35,000 होगा या तो 45,000 रुपया, ये इसी का फ्लक्चुएशन होता है। बाई चांस कोई आप जॉब करते हैं तो आपका एक सैलरी बंधा हुआ है, आप उसमें ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। बाई चांस कोई स्टूडेंट है, उसका पॉकेट भी नहीं मरता है, जैसे पॉकेट मनी दिया जाता है पेरेंट्स लोग, तो उनको 5,000 चाहे 2,000 चाहे 10,000 रुपया देता है, उसमें से कितना बचत कर सकते हैं, कितना खर्चा किए। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, प्रत्येक दिन आप एक जरूरी है एक्सपेंस के ऊपर लिखना। जब आप एक्सपेंस के ऊपर लिखिएगा, तभी आपको महसूस होगा जो कहाँ ओरिजिनल में मेरा खर्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ पर मैं गलत जगह पर तो नहीं जा रहा पैसा। जैसे मार्केट में जाते हैं तो क्या हुआ, सेल लगा हुआ, मेरा पॉकेट से पैसा निकालने के लिए 2,000 रुपया लेके जाते हैं, 2,500 रुपया का मार्केटिंग करके आ जाते हैं, कहाँ से भाई, कार्ड से। ये सब बंद करना होगा, क्योंकि आपको जब रिव्यू करिएगा अपना एक्सपेंस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी जा करके आपको आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप बैड हैबिट में परिवर्तन हो रहे हैं, और बैड हैबिट आपको रिचेस में नहीं बनने देगा। या तो सफलता को छोड़ दें, या तो गुड हैबिट को छोड़ दें। अगर गुड हैबिट को आप पकड़ते हैं तो आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों 8वां नंबर, 9 नंबर, नॉट रीडिंग, नेवर स्टॉप रीडिंग एंड विलिंग चेंज। प्रत्येक, जैसे कि अभी जैसे उदाहरण वॉरेन बफेट के लिए, अभी भी 91 एज का उन्होंने 8 से 9 घंटा किताबें पढ़ते हैं। ना जाने आप लोग सोचते हैं जो किताबें पढ़ने से क्या मिलेगा, दोस्तों नहीं, यहाँ पर यही एक मजे की बात है, 300 रुपया बुक में मालूम नहीं एक सेंटेंस, एक वर्ड आपका माथा में अगर क्लिक हो गया तो आप एक फॉर्चून बन सकते हैं, अपना भाग को बदल सकते हैं। हमेशा कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। प्रत्येक जगह पर आप देखिएगा, जैसे कि मैं भी नहीं जानता था, जब एक ठोकर खाने के बाद ही मेरे को मालूम चला, जो गुरु जो मेरा है वो हमेशा बोलते थे जो किताबें पढ़े। लेकिन कुछ दिन का पहले द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का बुक लिए और मैं उसको पढ़ना स्टार्ट किए, हालांकि एक पेज दो पेज करके ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ना जब स्टार्ट किए तब महसूस हो रहा है जो हाँ, रिच मैन माइंडसेट क्या होता है, पुअर माइंडसेट क्या होता है। दोस्तों मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जो बुक है, आप लोग उसको पढ़िए, तब जाकर महसूस होगा जो हाँ, आपको क्या बनना है, और कैसे आप ऊंचाइयों पर जीरो से लेकर हीरो बन सकते हैं। आर्थिक अवस्था में, आर्थिक रूप से सफलता के लिए आप उसको पढ़ना सीखे, कोई भी बुक, ऐसे नहीं जो कॉमिक्स उठा करके पढ़ना स्टार्ट करें, अगर कॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप हमेशा के लिए नुकसानदायक ही होगा। बायोग्राफी पढ़ें, रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, 7 हैबिट्स पढ़ें, बहुत सारा बुक है जो कि आप पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को इम्प्लीमेंट करके और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और मेरा एक लास्ट जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना जा रहा हूँ, मेरा एक वेबसाइट है thesuperleadership.com, मेरा फ़ोन नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब चैनल भी है, जो कि हो जाएगा एक दो दिन का भीतर में। तो दोस्तों आप कहीं से भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वाओ ग्रेट। सो दोस्तों कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सीताराम सर ने हमें हैबिट्स के बारे में। एक बार हम जोरदार तालियां बजाएंगे और उनका धन्यवाद बोलेंगे सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें हैबिट्स के बारे में देने के लिए। सो मैं चाहूंगा कि एक बार आपको हम अनम्यूट करें और एक बार आप बोलें यू रॉक। आप चैट पे भी लिख सकते हैं और तालियां बजा करके भी हम बोल सकते हैं सर यू रॉक,
ग्रेट दोस्तों, ग्रेट दोस्तों। एक चीज मैं और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत से लोग अभी वेट कर रहे हैं। दो बहुत गजब की अनाउंसमेंट है हमारे पास, जो कि हम आपको लास्ट में बताएंगे। ग्रेट इन्फॉर्मेशन है, मजा आएगा, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। दो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। और उसके पहले दोस्तों, आप मेरे को चैट में ये बता सकते हैं कि सीताराम सर से हमने तीन हैबिट्स कौन कौन सी सीखी हैं, जो गजब की हों उन्हें बताइए, फिर मैं बताता हूं कि मैंने कौन सी हैबिट की है और मैं और कौन सी डेवलप करूंगा। तीन हैबिट्स आप बता सकते हैं मेरे को कि कौन सी अच्छी रही सीताराम सर की। ग्रेट। So, मैं बताता हूं, पहली हैबिट जो मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं वो करना स्टार्ट भी कर दिया है मैंने, और जितने भी आप लोगों को देखेंगे जो ट्रेनर हैं या जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो बहुत जल्दी फॉलो करते हैं उस चीज को। सबसे पहली है दोस्तों, जो सर ने बोला, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपकी जितनी भी इनकम है, कमाई है जो आपकी, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है कि हम खुश रहें, हम कुछ सीखें। अगर आप जॉब कर रहे हैं जैसा कि सर ने बोला या मैम ने बोला, जैसे आप जो करते हैं और जो कर रहे हैं, अगर वही करते रहे तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। तो अपनी स्किल्स पे, अपने आप को पे करने का मतलब ये कि आप अपनी स्किल पे, अपने स्किल की डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छी लर्निंग है दोस्तों। सेकेंड रही जो सर ने बोला पास्ट के बारे में, सीधा पास्ट। तो पास्ट का क्या मतलब है दोस्तों, इतना बढ़िया एग्जांपल सर ने दिया कार के बारे में कि एक जो आपको फ्यूचर देखना है, बड़ा सा ग्लास है, पूरा क्लियर है विजन उसका, सब कुछ ओके है, पीछे के देखने के लिए छोटा सा है। एंड दोस्तों, रेगुलर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब मार्केट ऊपर नीचे होता है या प्रॉफिट हमें नहीं होता तो हम उसे छोड़ देते हैं। रेगुलर इनकम आपको बहुत जरूरी है दोस्तों, ये तीसरी इनकम है। और जो सर ने बताया थिंकिंग रिच, बहुत अच्छी बुक है बीएसआर सर की, आप सबको मस्त एक बार रीड करनी चाहिए। सो ये हमारा सजेशन है। हमारे दोस्तों, आपने अभी देखा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, अलग अलग वेस्ट बंगाल से, प्रतापगढ़ से, कहां कहां से हमारे ट्रेनर हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, सब हम अपनी सीखने के बाद, दोस्तों माइंड पावर बहुत जरूरी है, माइंड की स्किल्स तभी आपकी डेवलप होंगी जब आप सीखेंगे। तो सीखते रहिए, समय जरूर लग रहा है आपका, आप बोल रहे होंगे यार समय हमारा गया, तो दोस्तों सीखने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। समय दीजिए, सीखिए। जैसे हमारे दीपक सर ने भी बताया कि आपको वीडियोस देखना है, पॉजिटिव वाली देखिए, सिर्फ फोन पे ऐसे रील देखने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होने वाला है दोस्तों। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम स्वागत करते हैं फिर से अगले वेबिनार में, मिलेंगे हम आपका आपसे। सो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। ओके दोस्तों, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो, धमाल करो, रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो, धमाल करो, रोके तुम।